लगता था कि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है। आज मेरे पास खुद के लिए टाइम ही टाइम है। आज का दिन मेरा दिन है। पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैनहट्टन का सबसे चहीता हीरो यहाँ न्यू जर्सी में क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लो। कमेंसिंग स्केलेटल रेट्रो स्कैन, सब्जेक्ट स्पाइडरमैन, आइडेंटिटी कंफर्म। मैं यहाँ काफी वक्त से आ रहा हूँ। पता है मुझे जासूसी पसंद है और उम्मीद है इनका काम पूरा हो गया हो। अब तक नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो, मुझे पता है कि शील्ड कैरियर है और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे की है, बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है और ये फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझो ना, मेरे घर पर टीम को रखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं मांस नहीं खाता। Well, मैं खाती हूँ। अब इस पर झगड़ा मत करो। किसी को पता है इसमें कितनी कैलोरीज होती है? हे, तुम ये खाने वाले हो? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं भूखा मर जाऊँ इससे पहले इन्हें यहाँ से निकालना होगा। इससे भी और बुरी बातें हैं, आगे देखिए। ये रहा पीटर छोटे से फूल में। छोटा फूल। थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी गई। लेकिन पता है क्या, मैं इन जोकरों के ग्रुप का लीडर हूँ तो मुझे थोड़ा और सहन करना ही पड़ेगा। और वैसे भी निक सर्जी ने मुझे यहाँ किसी काम से बुलाया होगा। पीटर, वो जरूर यहाँ हेली कैरियर को बर्बाद करने आया होगा। कहीं वो मुझे बर्बाद करने तो नहीं आया? ऐसा क्या? तो ये देखो। निक सरजी मुझे बचाने आ गए? ठीक समझा। बीटल, सरेंडर करो या मारे जाओगे। कहाँ चला गया? क्लोकिंग डिवाइस। और वो गायब हो गया। और वो चीज क्या थी जिससे अब तक मेरे कान बज रहे हैं? एक सोनिक डिसरप्शन एरो। ओह कूल। हाँ हाँ, मैं जानता था वो। मैंने भी वही अज्यूम किया होगा। इसे कौन नहीं जानता? Hey, वैसे मदद करने के लिए थैंक्स। दे ताली हॉकाई। ठीक है, वो नहीं दे रहा, आप दे दो। निक सर जी, आप भी। जब पहला हेलीकॉप्टर गिरा था तब हमने बीटल को ऑफसाइट फैसिलिटी में पकड़ा था, लेकिन एक कंफ्यूजन में वो फरार हो गया। वो यहाँ बदला लेने के इरादे से तबाही मचाने आया होगा और तुम्हें देखते ही वो बदला लेना चाहता है। मुझे इतना चाहता है? वैसे स्कूल में लोग मुझे इतना क्यों नहीं चाहते? हम अब तक उसे ट्रैक नहीं कर पाए हैं, तो मैंने एक अवेंजर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए बुला लिया जब तक हम यहाँ हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। यानी अब आप मेरे लिए आया रखेंगे और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सोनिक डिसरप्शन ही बनेंगे। और अगर आप एक अवेंजर को ही बुला रहे हैं तो वो तो मेरी जान पहचान का होना चाहिए ना। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस हॉकआई पर भरोसा करना बेवकूफी है। वैसे भी मैं घर पर हो रही परेशानी से परेशान हूँ। और वो इस वक्त है कहाँ? देखा, मैं कह रहा था ना, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये किस तरह का एरो है? ये एंसनेयरमेंट एरो है। नाम तो बहुत अच्छा है, शायद हक तुमसे मिलना चाहता है। अब जब बीटल भाग चुका है तो मुझे पता है कि तुम उसके पीछे जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उसका अकेला सामना करो, इसलिए मैं तुम्हारी टीम को बुला लेता हूँ। मेरा ऑर्गेनिक टूथपेस्ट कहाँ है? मेरा टूथब्रश कहाँ है? मेरा डेंटल फ्लॉस कहाँ है? वो पिंपल है या केचप? अपना मुंह बंद करो। ओके, सिर्फ आज के लिए
मुझे भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। ओके दोबारा ट्राई करते हैं। दे ताली हमारी टीम के लिए। खूब जमेगा रंग जब होंगे साथ तुम और मैं, स्पाइडी और हॉकाई। मुझे बदबू आ रही है जो तुम भाग रहे हो। वैसे मैं तुम्हारे एंसनैरमेंट एरो के बारे में सोच रहा था कि क्यों ना उसका नाम बदलकर कुछ और खतरनाक नाम दिया जाए, जैसे एंसनैरो। नहीं अब चुप बैठो, मैं बैटल का सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम उसे शहर में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एवेंजर टैग बहुत कूल है, लेकिन मैं विलन्स को अपनी मकड़ी घंटी से ढूंढता हूँ, और हाँ अपनी स्पाइडी बाइक से भी कभी कभार। हाँ हाँ पता है तुम बच्चों का खिलौना लेकर घूमते हो, तुम्हें बाइक की क्या जरूरत जब तुम अपने जाल पर झूलते हो। चलो चलो यही सोच रहे हो ना कि मेरी बाइक तुम्हारी बाइक से ज्यादा कूल कैसे। वो ऐसे क्यों, कैसा लगा? हाँ अच्छा था, क्या तुम इससे बेहतर देखना चाहोगे? ओके ये भी काफी कूल है। मिल गया, ये तो काफी नजदीक है। चलो रुको। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो आगे रहने की कोशिश करो। हम फिर कभी आराम से बात करें क्या? लगता है तुम्हें बात ही नहीं करनी। कैसी रही? हाँ बुरा नहीं था, लेकिन ये तो बस एक और वो भी छोटू सा था। इतने काफी हैं बच्चे? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन ये तो मैं भी कर सकता हूँ पता है। ये देखो एक और मारा एक और, वो देखो एक और। एक ही बार में दो निशान, अच्छा है, लेकिन देखना ये मैच मैं ही जीतूंगा और मैं तो मैच मैं ही ले जाऊंगा। मैं तो बस खुद की तारीफ करूंगा, कहूंगा कि मैं शानदार था और कहीं से काफी बेहतर। हॉकाई वक्त पर एवेंजर छोड़कर भाग गया। तुम्हारे मिसाइल ने मुझे मिस कर दिया टेन के डबे। ये आवाज कैसी? ए बराबर साफ करो। हटो। लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। वैसे तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोस्त के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा था? हाँ वो जो हमें पकड़ने आ रहा है। पकड़े रहना। ओ मेरा वेब शूटर पकड़ लिया। ओ, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ लिया है। एक्चुअली उसने हमें पकड़ लिया। ओके लगता है हमारा विकेट गिरने वाला है। मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। हाँ मुझे भी। मुझे ऊपर खींचो। वक्त नहीं है। अगर प्लान ए रोड पर गिरकर चटनी बन जाने का है तो मैं प्लान बी यूज करता हूँ। एक हीरो को इस तरह लटकाने में मजा आ रहा है। मुझे ऊपर खींचो। क्या कह रहे हो? तुम्हारा एक हाथ तो खाली है ना, और थोड़ी देर में मेरा बैग बिगड़ जाएगा और फिर तुम
अब पता नहीं ये कब पिघलेगा। तुम मजाक कर रहे हो, मतलब पता नहीं हम कब तक ऐसे हाथ पकड़े बैठे रहेंगे। हाँ, वैसे उस एरो का क्या नाम है? लेफ्ट में झुको। लेफ्ट क्या? कैसा अजीब नाम है। राइटो। नहीं, हमें उल्टा जाना चाहिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें बीटल को रोकना चाहिए। वो तो कर लेंगे, पहले हाथ तो छूट जाए। आपको पता है इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? याद है मैंने कहा था कि आज का दिन मेरे लिए है वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये जनाब मेरे साथ चिपक गए हैं। मेरा मतलब अगर यूं ही चलता रहा तो। लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी मुसीबत हमारे पीछे है। उन्हें और अच्छा टारगेट देते हैं। वो सामने वाला टारगेट ठीक होगा। जेमसन मजा आया, और बढ़ो मेरे पीछे। दूसरा एरो लो तुम। हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, याद है? हम एक साथ फायर करेंगे। अभी मैं एम करता हूँ, तुम पुल करना। वाह, दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। अरे थोड़ी स्पाइडर स्ट्रेंथ यूज करो और खींचो उसे। ओप्स, तुमने ही कहा था ना स्पाइडर स्ट्रेंथ यूज करो। तो हमें बो स्ट्रिंग चाहिए, अपना वेब यूज करो। ठीक है। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो तुम कर रहे हो, मेरे पास तो दो वेब शूटर्स हैं। तुम एक्स्ट्रा बो स्ट्रिंग क्यों नहीं रखते? क्योंकि मैं वो तोड़ता नहीं हूँ। अब हम ये और नहीं छेड़ सकते, क्या करें? ये कूदो। पतले हो पर काफी ताकत है तुम में। वो कहावत सुनी है, दिखावे पर मत जाओ, पकड़े रहना। मुझे ये अनाउंस करते हुए गर्व हो रहा है कि ब्यूगल के ऑफिशियल स्पॉन्सर है माइटी ग्लू। जब आपकी लाइफ। क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं चढ़ सकते? इतने ज्यादा वजन के साथ कोई बेटिंग चढ़ना आसान नहीं होता। ज्यादा बेट, अगर तुम इस वक्त जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से, समझे? तुम्हारी वजह से? तुम मेरी वजह से जिंदा हो। अभी हमारे सोसाइटी के ऑफिशियल सनकी के बारे में बात कर रहे हैं। सही कहा, मैं वेब एडिटर स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने किसी दुश्मन से लड़कर शहर को तबाह कर रहा होगा। जब जब उस ये तुम पे हमेशा इतना चढ़ता है? जरा जोश कम है तो ये हाल है। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस नाकारा बदतमीज स्पाइडर को सबक नहीं सिखा देता। शायद इन्हें जोश आ गया। वेल, जब तक थोड़ा टाइम मिला है हम कुछ ट्राई करते हैं। हो, क्या आइडिया है। तुम्हें पता है ऐसी सिचुएशन के बावजूद तुम काफी अच्छी तरह काम करते हो। वो तो मैं हूँ ही। ओ, लगता है तुम्हारा रेजर एरो काम कर रहा है। मेरे एरोस को नाम देना बंद करो। मेरे पीछे रहो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक प्लान है। तो ये था तुम्हारा प्लान, 100 फीट नीचे गिरना, वो भी हाफ कंस्ट्रक्टेड स्काई स्क्रेपर से। अपने शब्द और गुस्से को बचा कर रखो और आसपास ढूंढो, शायद हमें ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारे हाथ खुल जाएं। ओह नो 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 नो, तुम्हें लगता है मैं मेरा हाथ तुम्हें उसमें डालने दूंगा? ये कैसा रहेगा? ये ब्लो टॉर्च, मुझे नहीं लगता। क्या ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है? नहीं नहीं, प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मुझे ऊपर खींचो। क्या शॉट मारा, लगता है हमारा काम बन गया और अब हम आराम कर सकते हैं। उआ! उआ!
वेब शूटर से शूट कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये याद है शील्ड की सबसे नई इन्वेंशन। तो वैसे इस हैरो का नाम क्या है? एक एंसनार। ओके, एक एंसनारो। ये बात। नीचे उतर जाए? क्यों नहीं। उसने हमें नहीं देखा। वो शायद मुझे वहीं ढूंढने जा रहा है जहां उसने मुझे पहले देखा। मुझे नेक सर जी को बताना होगा। ओह, मेरा कम्युनिकेटर खराब हो गया। परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। मेटल हैंगर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूँ आप उन वर्कर्स को वहाँ से बाहर निकाले जो हेलीकैरियर पर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट सुबह मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ बहुत पैसा खर्च हुआ है तो बिल्कुल उड़ा मत देना। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि निक सर जी को यहाँ का हाल नहीं पता, वरना इस सब का इल्जाम तो मुझ पर ही लगता ना। अच्छा, इस एरो का नाम क्या है? एक मिनट, मुझे मत बताना। ये एक एरो है जिसमें कैमरा भी है, तो इसका नाम हुआ कैमेरो। बहुत बुरा नाम है। ओह कम ऑन, कितना अच्छा नाम दिया था मैंने। हमें जल्दी हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है, कोई आइडिया? वैसे आपसे एक बात कहता हूँ, मुझे ट्रेन से जाना ज्यादा पसंद है, लेकिन टैक्सी ज्यादा जल्दी पहुँचा देती है। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये टैक्सी वाले भी ना। स्पाइडरमैन, क्या तुम हो? हाँ हाँ, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। बड़ा फैन हूँ तुम। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि खुद स्पाइडरमैन मेरी कैब में है। हाँ पता है। तुम्हें पता है तुमने एक बार मेरी जिंदगी बचाई है। तुम किसी बदमाश से लड़ रहे थे और उसने गाड़ी से मुझे ठोक दिया। अच्छा, लेकिन अब मैं अपनी बीबी के हाथ का बना हुआ सैंडविच खा रहा था। वो हमेशा मुझे टिफिन में सैंडविच ही देती है। देखो हमें तो अपने लाजवाब दोस्त को कहाँ ले जा रहे हो? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी? तुम मजाक कर रहे हो, मैं न्यू जर्सी नहीं जाने वाला। याद है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। एक बार फिर सोच लो। ओ हाँ हाँ, चलते हैं ना। आइडेंटिटी कंफर्म। आराम से बैठो। बीचल वहाँ ऊपर है, हमने उसे थोड़ी देर बिजी रखा है। गुड जॉब दोस्तों, अब हम देखते हैं। वो लगता है बीटल ने उन्हें बिजी रखा। अपनी आंखें खुली रखो, वो हमें ढूंढ सकता है। हाँ, हम ढूंढे वो ढूंढ ले, एक ही बात है। अच्छा, मुझे उंगली दिखाते हो? रुको, जाओ, अभी दिखाता हूँ। इसे कहते हैं डबल धमाका जोड़ते हैं। इस तरफ, इस तरफ आओ। नहीं, इस तरफ आओ। अच्छा ठीक है, पीछे तो जाओ। आगे आओ। ये क्या? हाथ छूटा, थोड़ी देर एंजॉय तो करने दिया होता। ये लगी नहीं क्या? तुम अच्छे हंटर हो, लेकिन एक कमी है। तुम्हारा दिमाग कम है। पता है अगर मैं चूक गया तो क्या होगा? एक तो हड्डी पतली टूट जाएगी और बहुत दर्द होगा, और दूसरा हॉकाई मेरी टांग खींच खींच कर मुझे बोर कर देगा। अच्छा निशाना था। तुम इस एरो को क्या बोलते हो? मैं इसे कहता हूँ स्पैरो। वो तो चिड़िया है। हाँ पता है, पता है। बहुत अच्छे जेंटलमैन। सुनो,
मैंने आज बहुत सी ऊटपटांग बातें की हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात सीखी। पता है मैं खुद को हीरो समझता था और बस अपने बारे में ही सोचता था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो, काफी अच्छे हो। मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता, पर तुम भी कम नहीं। तो इसी बात पर दे ताली, हकाए, एक बार तो दे दो। ठीक है, आप लोग जाओ, अब हाथ छुड़ाने में टाइम लगेगा।